हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, ग्रुप डी के करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज चल रहा था, इसमें पार्ट वन मैं आपको अपलोड कर दिया हूं और आप लोगों ने उसे अच्छा प्यारा आशीर्वाद भी दिया। सो गाइस, अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखे तो पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा। तो आज आप लोग ग्रुप डी के करंट अफेयर का रिविजन सीरीज के पार्ट टू चलने वाला। सो गाइस, आज के सवाल यहाँ शुरुआत करते हैं। ये जो आपके मई का करंट अफेयर है और मैं दो लेक्चर और मई को अपलोड करूंगा तो पूरा मई का करंट अफेयर कंप्लीट आपका हो जाएगा। हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस दोस्तों वो आपका 5 मई को मनाया गया। अब समझते हैं 1 मई से लेकर 4 मई तक हम क्या क्या दिवस मनाए हैं उसके बारे में एक नजर देख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसे आपका मई दिवस भी कहते हैं, और महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस और आपका विश्व हास्य दिवस भी 1 मई को ही इस वर्ष मनाया गया है। विश्व टूना दिवस आपका 2 मई को मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस, ये आपको 4 मई को मनाया गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये था आपका 5 मई की पुर्तगाली भाषा दिवस आपको कब मनाया गया। दोस्तों पुर्तगाली भाषा दिवस की आप 5 मई देख लें। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 कौन सी बनी है? यानी कि हाल ही में दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम जो है वो आपका T20 टीम आपकी कौन सी बनी है? तो ये आपका इंडिया का टीम जो है नंबर 1 रैंकिंग वाली आपका T20 जिसका कैप्टन थी आपका रोहित शर्मा जी। अगला सवाल को बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू करने का काम किया है महाराष्ट्र सरकार ने जीवला योजना शुरुआत की है, जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरुआत की है। अब हम कुछ महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दिया। वहां का जीन बैंक परियोजना था, वहां की कैबिनेट ने मंजूरी देने का काम किया है। उसके बाद माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना दोस्तों? तो आपका महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो दच, नागपुर में लॉन्च किया गया है, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर, जो बड़ा शहर है। हुनर हाउट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना सुरक्षा कवच 2 अभ्यास शुरुआत हुई है। तो ये आपका इंपोर्टेंट था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीतने काम किया है? तो याद रखना है रानी ओ सुलिवान जो है वही आपका रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीतने का काम किए हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर फटाफट सब लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। हाल ही में किस देश के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है? तो हाल ही में किस देश के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है? तो आपका भारत का दो छात्र हैं। एक का पंजाब के रहने वाले हैं और एक आपका तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नासा की। किसकी बात कर दोस्तों? नासा का। तो नासा के स्थापना जो हुआ था ना 1958 में नासा का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी जो है इनका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी इनका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है ये आपका वाशिंगटन डीसी। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में गूगल की नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी जी को नियुक्त किया गया। किनको? अर्चना गुलाटी जी को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, अर्चना गुलाटी जी को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला लिया है? तो याद रखना न्यूजीलैंड। क्या? न्यूजीलैंड ने थॉमस कप फाइनल्स के आपका 32वें चरण से हटने की फैसला लिया है। तो देश का नाम है आपका न्यूजीलैंड। बोलो दोस्तों क्या नाम है आपका? न्यूजीलैंड नाम है। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है? तो भारतीय मौसम विज्ञान के साथ आईआईटी बॉम्बे ने समझौता किया है। आईआईटी बॉम्बे ने आपका समझौता किया है।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट आईआईटी से संबंध देखते हैं। इजराइल दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आईटीसी ने आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप किया, साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास द्वारा बात का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है। हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किए हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया। तो ये आपका कुछ यहां से इंपोर्टेंट सवाल रहा। अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन किया है, तो कौन सा राज्य? तो याद रखना कर्नाटक राज्य ने, कौन? कर्नाटक राज्य ने आपका उद्घाटन किए हैं। अब यहां पे कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक से कुछ फेमस चीजें हम समझने के प्रयास करते हैं। कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस SAANS शुरू किए हैं। कर्नाटक ने निर्माधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर BS येदियुरप्पा के नाम पर रख दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने विनय समर पहल शुरू करने का प्रयास किया है, शुरू कर दिया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर जो है कैटरीना कैफ को, किनको दोस्तों? कैटरीना कैफ को उन्होंने आपका आपकी नियुक्ति है। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड पुमा, जो आपका पुमा कंपनी है, वो आपका जॉर्ज रसेल को अपना बनाया है। उसके बाद फार्मा इजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। विंजो गेम्स प्लेटफॉर्म महेंद्र सिंह धोनी इनका ब्रांड एम्बेसडर है। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस विद्या बालन जी है। डिश टीवी का आपका जो ये ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत जी है। बिहार के खादी और हस्तशिल्प, जो आपकी बिहार की खाद्य और हस्तशिल्प का जो ब्रांड एम्बेसडर भोजपुरी नायक आपका मनोज तिवारी जी है, सांसद भी फिलहाल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? याद रखना रियल मैड्रिड ने। क्या? रियल मैड्रिड ने हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीतने का काम किया, रियल मैड्रिड नाम था। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 12 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसने कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं? तो कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त होने का काम के विवेक रुसिया जी। क्या नाम है आपका? विवेक रुसिया इनका नाम है, जो हाल ही में आपका भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। हाल ही में जीएमआर समूह 13 और वर्षों के लिए किस हवाई अड्डे के संचालन किया है? तो याद रखना है आपका हैदराबाद हवाई अड्डा का आपका संचालन करने का यहाँ पे काम किए। अब यहाँ पे अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आप सभी को पता है कि जो आपका प्रतिनिधित्व करने काम जो किए हैं, वो आपका नरेंद्र मोदी हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल जो आपका है 15 नंबर, हाल ही में किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के आपका 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च की है? तो आपका पेट्रोल जो लॉन्च की है, वो आपका नाम है IOCL। क्या? IOCL फुल फॉर्म होता है इसका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एक बार फिर से लिखते दोस्तों, इंडियन ऑयल, उसके बाद कॉरपोरेशन ऑयल फुल आपका लिमिटेड होगा। तो क्या बोलना है इसका? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, इसका IOCL का फुल फॉर्म है और इन्हीं के साथ ही काम होने का किया है। अब पूछेगा भैया कि ये आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या IOCL का स्थापना कब हुआ है? तो याद रखना 1959 में इसकी स्थापना हुआ है। अगर पूछे इनका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना इसका मुख्यालय जो है ना, वो आपका न्यू दिल्ली है। क्या? न्यू दिल्ली इनका आपका मुख्यालय है। अब यहाँ पे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस जो है, वो आपका 6 मई को
6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। अब कुछ क्वेश्चन है, 1 मई को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, और इस वर्ष विश्व हास दिवस भी 1 मई को मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाते हैं। 3 मई को हम क्या मनाते दोस्तों? 3 मई को हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो आपका 3 मई को मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस, जो कि पिछले भी रिवाज कराया मैं आपको। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, हाल ही में फ्रांस में आगामी कांस मार्डे डू फिल्म में कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? तो याद रखना दोस्तों, इंडिया आपका होगा आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पुल बनाने के लिए समझौता किया है? तो किस राज्य ने आपका जो ये आप समझौता किया, तो ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने समझौता करने का आपका काम किया। अब वेस्ट बंगाल से कुछ सवाल है, आप देख लेते हैं दोस्तों। डोल उत्सव या डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुई। रायगंज वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और सजनाखली वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पश्चिम बंगाल में। कमई धर्मा योजना, कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर, बिहार अंतिम पर रहा है। ग्रामा राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। मा योजना शुरू जो है आपका, इसमें गरीबों लोगों के लिए सिर्फ 5 रुपये जो आपकी भोजन मिलेगा वो आपका पश्चिम में शुरू हुआ। बुक्सा एनपी टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जल दपारा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में। आपके स्ट्रेटेजी के भी कवर हुआ दोस्तों यहां से। अगला सवाल है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो कौन सी राज्य? लद्दाख। लद्दाख जो फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है दोस्तों? तो याद रखना लद्दाख। लद्दाख से कुछ सवाल बनते हैं, एक बार एक नजर इसको देख लेते हैं। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ था। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल जो है लेह में स्थापित किया गया है। उसके बाद आपका स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में हुआ है। उसके बाद याद रखना आपका हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क कहां दोस्तों? आपका लद्दाख में। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में टोनी ब्रुक्स का 90 साल की उम्र में निधन हुआ। ये टोनी ब्रुक्स साहब जिनका निधन जो हुआ 90 साल में हुआ है, वे कौन थे? तो वे फॉर्मूला वन ड्राइवर थे। इनका आपका निधन हो गया। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस केयर के नए सीईओ जो आपका प्रशांत झावेरी जी बने। कौन? प्रशांत झावेरी जी बने। अब यहां से कुछ क्वेश्चन और आपको याद रखना है जो प्रशांत झावेरी जी है। अगला सवाल, गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख रूप में अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया है। आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी बनेंगे। इंडिगो एयरलाइंस ने वेंकट रमनी सुमंत्रन को अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मुल्ले को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए हैं। अगला, डिजिटल इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ जो है जसलीन को कोहली बनी है, आपके बनी है। विप्रो के आपने आपका सत्य ईश्वरन को भारत की कंट्री का हेड नियुक्त किए विप्रो के द्वारा। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? वियतनाम। क्या? वियतनाम जो है हाल ही में आपका दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल का सफेद ड्रैगन खोला गया है। तो क्या बोला दोस्तों? आपका वियतनाम इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो याद रखना है, डॉक्टर मन सुख मंडावी
डॉक्टर मनसुख मंडावी ने आपका गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने काम किया है। डॉक्टर मनसुख मंडावी, क्या डॉक्टर मनसुख मंडावी इसका जो आपका सही जवाब होगा, डॉक्टर जो आपका ये आपका मनसुख मंडावी इसका सही होगा। अब कुछ क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं। सवाल है, वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधार जो आपकी आधारशिला जो आपका जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी के 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। गुजरात के आपका बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडा बेट ने सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन भी किया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक गुजरात में शीर्ष पर रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किए हैं। गुजरात सरकार ने पाल ददवाह नरसंहार के 100 साल पूरे कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय अच्छा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के समान में नदी उत्सव शुरुआत की है। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना आपका गिरनार रोपवे का उद्घाटन आपका यहाँ पे हुए। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या दोस्तों, तो आपका यहाँ पे ना सुजलाम सुफलाम जलसेन अभियान भी आपका शुरुआत किया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की है? याद रखना है आपका राज्य का नाम है ओडिशा। क्या ओडिशा में आपका किया? क्या दोस्तों आपको बोलना है ओडिशा में किया। उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक जी, यहां का अगर सीएम पूछे तो क्या बोलना है, तो उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक है। बोलो कौन पटनायक दोस्तों? नवीन पटनायक उड़ीसा का आपका सीएम है, नवीन पटनायक जी। याद रहेगा उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस बोलिए या फिर सर उत्कल दिवस बोलिए। उड़ीसा दिवस या फिर अपना उत्कल दिवस जो है वो आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कितना? 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप लोगों का अनावरण किया है। उड़ीसा में 20 मार्च को पाखल दिवस बहुत फेमस है, 20 मार्च को पाखल दिवस मनाया गया। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। युवाओं को आपका प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ, तो हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया जो कि उड़ीसा के पहले आपका आदिवासी मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए WFP के साथ समझौता किए हैं। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण यहां उड़ीसा में किया गया। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर है। स्वच्छ बिंदु सागर पर स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद दोस्तों गरिमा नामक नई योजना का शुरुआत उड़ीसा में हुआ आपका। उसके बाद आपका ड्रिंक फॉर्म टैप योजना का शुरुआत उड़ीसा में हुआ। सुनोवेरा कोठागन नलवन वाईसीपल्ली देवरीगन गहरी आपका गहरी रम वर्ल्ड वाइड सचुरी है, वहां पर चिल्का लेक, वहां चिल्का झील उड़ीसा में जो खारे पानी का झील है। नुआ खाई उत्सव उड़ीसा मनाया जाता है। राज पर्व राजा पर्व उड़ीसा मनाया जाता है। चैत्रा जात्रा उत्सव उड़ीसा मनाया जाता है। रूसी कुलिया बीच गोल्डन बीच उड़ीसा में है। वेंकट रायपुर नोलिया शाही सुनामी रेड घोषित आपका यूनेस्को ने हुआ है। इतनी बात आपका उड़ीसा में है। अगला बात है, हाल ही में किस ट्रेन में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो ऑपरेशन सतर्क जो आपका RPF, क्या RPF के किसने ट्रेनों को तस्करी, तो RPF ने। RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेस्ट फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलिए इसको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या दोस्तों? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आपका RPF का फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 27 जुलाई
27 जुलाई 1872 का हुआ था। तो आरपीएफ का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 27 जुलाई 1872 ईस्वी को आरपीएफ का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय, आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो गाइस याद रखना है, आरपीएफ का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है आरपीएफ का मुख्यालय। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। क्या? हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का स्थापना हुआ है हैदराबाद में। क्या दोस्तों? हैदराबाद में इसका स्थापना हुआ। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहते हैं, हाल ही में किसे ए आई एफ का महानिदेशक रूप में नियुक्त किया गया? ए आई एफ का महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त आपका किया गया है? फटाफट सभी लोग आपको जवाब दीजिए। तो आपका संजीव कपूर इसका सही जवाब होगा। संजीव कपूर इसका सही जवाब होगा। आईएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया एयरफोर्स है ना आपका, ये आपका। अगला सवाल दीजिएगा, हाल ही में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्टेड रिपोर्ट किसने जारी किया? हाल ही में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्टेड रिपोर्ट किसने जारी किया? तो आप याद रखना एफ ए ओ का फुल फॉर्म क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इसका फुल फॉर्म है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका एफ ए ओ का फुल फॉर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1945 में, एफएओ का स्थापना जो है 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां? इटली में। इटली का राजधानी रोम। क्या? रोम है। और इटली में सबसे प्रमुख नदी है पो नदी। कौन है दोस्तों? पो नदी को इटली का गंगा, इटली गंगा बोलते हैं। तो कौन सा नदी को इटली का गंगा बोलते हैं? तो याद रखना है, पो नदी को हम इटली गंगा भी बोलते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ ऐप जो है वो हरियाणा सरकार लॉन्च किया। क्या? हरियाणा सरकार लॉन्च किया। अगला सवाल को बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देख रहे बड़ा ध्यान से दोस्तों। हरियाणा सरकार ने मात्र शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। तो कौन सा सरकार मात्र शक्ति उद्यमिता योजना घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां? गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला शांति केंद्र। अगला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने देगा। सूरज कुंड हस्तलिपित मेला हरियाणा में लगता है, का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो राज महिला आयोग जो हरियाणा सरकार ने है, हरियाणा के राज महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया जी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है हरियाणा का नए डीजीपी साहब बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा आपका हरियाणा में शुरू किया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है यह भी दोस्तों हरियाणा में शुरू किया गया है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, जो गोरख धंधा शब्द है उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा सरकार ने लगाया है। हवाई अड्डा का नाम बदलकर अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। तो हरियाणा सरकार में हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया? महाराजा अग्रसेन के नाम पर रख दिया गया। भिंडावास के रामसर साइट के रूप में मान्यता दे दी गई। तो भिंडावास जगह है उसको रामसर साइट के रूप में क्या दिया है? वहां पे दे दिया, मान्यता दे दिया है। हर हित योजना शुरुआत किया गया है। कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है? तो हरियाणा में है। अगला दोस्तों, खोल हीरे तान वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी हरियाणा में है। वीर सिकरागढ़ नाहर चिलचिला खापवार्स वर्ल्ड वाइफ सेंचुरी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। फटाफट अगला सवाल जवाब दीजिए, हाल ही में किस देश ने 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने का क्षमता वाला गैस फील्ड बन गया है? तो बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। क्या? शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना। वहां है ना, वहां का राष्ट्रपति क्या है बांग्लादेश का? अब्दुल हामिद। तो बांग्लादेश की राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद जो है वो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रपति है। बांग्लादेश की आपका मुद्रा क्या है? तो मुद्रा टक्का है, टंका, जो भी टक्का है वहां का मुद्रा टक्का है। बांग्लादेश
26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका। बांग्लादेश में राष्ट्रीय गीत है अमार सुनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बांग्लादेश बना है। बिस्मा ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ वहां पे। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा से और ब्रह्मपुत्र को जमुना से, और जब दोनों मिल जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र तो उसे यम आपकी उसे जो आपका मेघना कहा जाता है, मेघना कहते हैं। बांग्लादेश सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है, तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम सुरमा नदी। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में लॉन्च किया है, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म जो है बांग्लादेश में आपका लॉन्च किया। फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, फटाफट रिवीजन करें, एकदम ग्रुप डी में आग लगाना, एकदम आग लगा देंगे भाई। एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स नहीं, क्योंकि भाई अभी हम मई शुरुआत के, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक सितंबर तक आपके होगी, उसके बाद फिर से मार्च अप्रैल भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो बनना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, तो जरूर शेयर करना। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है, तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया है। कितना मई को, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया है। अब दोस्तों समझिए, 1 मई को बहुत बार पा चुके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस विश्व 1 मई को मनाया गया, टूना दिवस 2 मई को, प्रशस्तंत्र दिवस आपका 3 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिज दिवस 4 मई को, विश्व पुर्तकाली भाषा दिवस 5 मई को, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, और आपका अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस आपका 6 मई को, और विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका 7 मई को, है ना। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है, तो 0 आपका 2%, 2% जो आपका घटकर हो गया, 2% प्रजनन घटकर आपका हो गया दोस्तों। पहले आपका 2.2 था, आप 2% घटकर हो गया। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीटो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो याद रखना है महाराष्ट्र में। क्या महाराष्ट्र में आपका उद्घाटन करने का काम किए। ये जीटो क्या है सर, जीटो का फुल फॉर्म बता दो, तो जीटो का फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह आपका जीटो का फुल फॉर्म है, जीटो का फुल फॉर्म है। महाराष्ट्र कुछ और सवाल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना का मंजूर दे दिया, जीन बैंक परियोजना का मंजूरी कौन सा दिया, महाराष्ट्र के कैबिनेट ने दिया है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है विकसित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन चुका है। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेशनल रेडियो रेडियो दच नागपुर लॉन्च हुआ है। हुनर हॉट का 40वां संस्करण मुंबई में लॉन्च हुआ है। महाराष्ट्र सरकार जिबला नामक विशेष प्रकार के योजना शुरुआत की है। महाराष्ट्र के पुलिस के साथ भारतीय सेना सुरक्षा कवच 2 अभ्यास में आयोजित किया गया है। आरआईएल ने भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है, आरआईएल। अगला है महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने, कौन रजनीश सेठ बने। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का आपका अनावरण किया गया। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में आपका डिफेंडर यूरोप 2022 और आपका स्विफ्ट आपका रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ, तो नाटो का बीच हुआ। नाटो का स्थापना कब हुआ दोस्तों, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, क्या ब्रुसेल्स में इनका मुख्यालय बनाया गया है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। अब यहाँ पे कितना देश है नाटो में, तो माफ आप करिएगा 30 देश आपका नाटो में है। 28 देश यूरोपियन है, यूरोप महादेश का 28 देश है, और 2 में यूएसए एक है और आपका एक कनाडा है, यूएसए और आपका कनाडा है। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। अगला सवाल फटाफट लाइक करो भाई। हाल ही में 24वें मुकबधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है, तो याद रखना है स्वर्ण पदक इन्होंने जीतने का काम किया। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाल ही में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनेगी, तो आपका कैरीन जीन पियरे
कैरिन जीन पियर, याद रखना कैरिन जीन पियर गूगल के नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया, पहले पा चुके हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया है। आधिकारिक तौर पर अमेजन का नए सीईओ एनडी जैसी बनेंगे। इंडिगो एयरलाइंस ने वेंकट रामनी सुमंत्रन को अपने निदेशक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री लुइगी दिमाओ अपनी पहली भारत की यात्रा पर आए थे? तो याद रखना दोस्तों इटली का, क्या इटली वाले आ, क्या आपका इटली वाले। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो याद रखना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सिंथिया रोसनेज वेको दिया गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभात पटनायक और मैलकम आदि सिविया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। असमिया कवि नीलमणि फुकन का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सत्यपाल मालिक को आपका दिया गया है। वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार एम्बर ब्रेकन ने जीता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी ने जीता है, आपका दिया गया है। अगला सवाल है। हाल ही में बरामी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहां हुआ? तो आपका भोपाल में हुआ। कहां दोस्तों? आपका भोपाल में हुआ है। कहां भैया? तो भोपाल में हुआ है सर। भोपाल में कौन सी भैया? तो भोजताल। भोजताल कहां है? भोपाल में, याद रखना है। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में फाइजर ने किस आईआईटी में वैश्विक दवा विकसित केंद्र का उद्घाटन किया? तो आईआईटी मद्रास के साथ, आईआईटी मद्रास के साथ। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया, पहले बता चुके हैं। इजरायली दूतावास ने भारतीय ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह का परामर्श कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आईटीसी और आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहली स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक आपका प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है। हरियाणा हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। अगला है, आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अतिरिक्त निदेशक रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो ओम प्रकाश भट्ट को। क्या? ओम प्रकाश भट्ट को इन्होंने आपका नियुक्त किया, ओम प्रकाश भट्ट। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में रेलटेल और WHO ने कहां मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो विशाखापट्टनम में। क्या? विशाखापट्टनम में किया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने खाद्य संकट वैश्विक रिपोर्ट, खाद्य संकट वैश्विक रिपोर्ट जो है 2022 जारी किया? तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने ये आपका काम किया। अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों, अगला सवाल जो है, हाल ही में विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडक्रॉस दिवस जो आपका 8 मई को ना विश्व रेडक्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। हेनरी ड्रेंट के जयंती पर हम विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई मनाते हैं। फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, महाराज गुजरात राजस्थान 1 मई को, विश्व हाज दिवस 1 मई को, विश्व चुनाव दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कोयला खनिज दिवस 4 मई को, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 5 मई को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आपका 5 मई को, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है? तो भैया भारत किया है। कौन भारत किया है? दूसरे नंबर पर चीन है, चीन आपका सेकंड नंबर पर है, और 3 नंबर पर आपका अमेरिका है। क्या? 3 नंबर यूएसए। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो तेलंगाना सरकार ने। क्या? तेलंगाना सरकार। सीएम कौन है तेलंगाना? सीएम आपका के चंद्रशेखर राव तेलंगाना का सीएम है। अगला यहां कुछ क्वेश्चन ध्यान दीजिए। फार्नहिता पुष्करलु त्योहार
2022 तेलंगाना मनाया गया। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य जो हासिल कर लिया है। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने के लिए शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। राज्य के कारागार विभाग मायर नेशनल स्टॉल लगाया गया तेलंगाना में। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत किया है। काकतीय रुद्रशेर मंदिर या रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। कोंडा पोचाम्मा सागर परियोजना या गोदावरी नदी के तट पर चल रही है। कालेश्वर परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रही है। अगला सवाल जो बढ़ते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? याद रखना दोस्तों, आपका अमेरिका शीर्ष पर रहा, यूएसए आपका शीर्ष पर रहा, क्या यूएसए शीर्ष पर रहा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में मोहन जुनेदा का निधन हुआ। ये मोहन जुनेदा साहब कौन थे? तो अभिनेता थे, एक्टर थे। हाल ही में मोहन जुनेदा का निधन हुआ, वो कौन थे? तो अभिनेता थे। हाल ही में बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया? सबसे पहले बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई का स्थापना भैया 1928 में हुआ था, 1928 में इसका स्थापना हुआ था। 1928 कब दोस्तों? 1928 में हुआ था बीसीसीआई का स्थापना। 1928 में इसका मुख्यालय है आपका मुंबई। क्या मुख्यालय? मुंबई। मुंबई इनका मुख्यालय है। और यह बोरिया मजुमदार नामक पत्रकार पर, बोरिया मजुमदार नामक पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अगला सवाल बोलते हैं, हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के मध्य आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ है? दोस्तों याद रखना जर्मनी। क्या? जर्मनी। क्या रखना दोस्तों? जर्मनी। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, हाल ही में किसने एनएसडीएल के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का शुरुआत किया? निर्मला सीतारमण। क्या? निर्मला सीतारमण। अब रहा एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। नेशनल, एन फोर हो गया भैया नेशनल, एस फॉर सिक्योरिटी हो गया, डी फॉर आपका डिपॉजिट हो गया, और एल से भैया लिमिटेड हो गया। तो क्या बोलना दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। अगला अगला क्वेश्चन, अगला भैया, हाल ही में मंदीकरण किस देश में आपातकाल की घोषणा हुआ है? तो श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। श्रीलंका, भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। श्रीलंका की घोषणा की वह अपने पूरे कॉमन अरब डॉलर विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है, मतलब ना चुका पाया। अगला बढ़ते हैं, हाल ही में किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पास किया? तो याद रखना दिल्ली ने। कहा भैया? दिल्ली। अब एक बात याद रखना, दिल्ली जो है आपकी पहले ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। 1911 में लगा था दिल्ली दरबार, उस समय 1911 में लगा दिल्ली दरबार, 1911 में घोषणा हुआ कि अब राजधानी दिल्ली जाएगा। और दिल्ली राजधानी गया कब? 1912 में। 1912 में राजधानी क्या गया दोस्तों? आपका दिल्ली गया। दूसरी बात याद रखना है, आपका दिल्ली से न्यू दिल्ली का नामकरण कब हुआ? ये न्यू दिल्ली कब आए? तो न्यू दिल्ली याद रखना 1927 में आए। न्यू दिल्ली 1927 में आए, और भारत की नई राजधानी न्यू दिल्ली जो है 1931 में बन गया। 1931 में अब जो है भारत का नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली का नाम कब? 1927 में बना। कब? नई दिल्ली राजधानी भारत का 1931 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब ले गया? 1912 में घोषणा हुआ। लेकर गया 1912 में ले गया। दिल्ली सरकार ने पंजाब के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दिल्ली में शिक्षा गीत शुरुआत है। इरादा कर लिया है हमने, ये आपका गीत रिलीज हो गया। इरादा कर लिया हमने, शिक्षा गीत जो है आपका रिलीज हो चुका है। इरादा कर लिया है हमने। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट अगला सवाल की ओर दोस्तों, हाल ही में किसने कनर्जी टेक्नोलॉजी में आपका टेक्नोलॉजीज में 7% साझेदारी है, अधिग्रहण किया है? तो एयरटेल कंपनी। क्या? एयरटेल कंपनी। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, अगला सवाल फटाफट जवाब दीजिए। अगला सवाल दोस्तों,
हाल ही में जम्मू कश्मीर का चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग का प्रमुख कौन थे? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं? हाल ही में किस राज्य ने धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों को प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो याद रखना पंजाब ने। कहा पंजाब, फटाफट लाइक करो, पंजाब ने भैया। क्या दोस्तों? पंजाब ने। पंजाब का सीएम कौन है? भगवत कुमार है। वहां गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब से क्वेश्चन कुछ बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार ने जगन्नाथ यात्रा को राज उत्सव का टैग दिया है। आपका मलारकोटला का 23वां जिला आपका ये बन गया है। मलारकोटला जो है आपका पंजाब का 23वां जिला बन गया है। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए यहां शुरुआत किया गया। अगला सवाल, हाल ही में स्किल लोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एएसएपी के साथ समझौता किया? एएसएपी का फुल फॉर्म है एडिशनल स्किल एक्वाइजेशन प्रोग्राम। एक्वाइजेशन प्रोग्राम। तो भैया कौन है आपका? केनरा बैंक ने। कौन बैंक ने? केनरा बैंक ने। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल क्यों? हाल ही में T20 क्रिकेट का सर्वाधिक और शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने? डेविड वार्नर। क्या डेविड वार्नर साहब ने आपका बन चुके हैं? डेविड वार्नर ने। कौन वार्नर दोस्तों? डेविड वार्नर। अगला क्वेश्चन करो, यहाँ कुछ और है। आईपीएल का 150 विकेट लेने वाला भारत के पहले खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार बने हैं। आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाला खिलाड़ी जो है रविंद्र चंद्रन अश्विन बने हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज डीना ब्रांडे सीएसके बने हैं। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया जिसे राजस्थान रॉयल्स विजेता रही है। चेन्नई सुपर किंग्स को मतलब हार गई, उप विजेता रही है। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत का और यूएई में खेला गया, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही है। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं? फटाफट सब लाइक शेयर करो दोस्तों, लाइक शेयर करो फटाफट। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं? अगला सवाल क्यों दोस्तों क्या है? हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती आपका 9 मई को। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले का जयंती मनाया गया। अब जितना भी मई में रिवाज कराएं फटाफट एक बार रिवाज करो। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, विश्व हास दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनन दिवस, 5 मई विश्व पुर्तगाली भाषी दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। फटाफट हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भाई। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुरुआत की? तो भारत ने आपका। किसने किया आपका? भारत ने। भारत का लाल जो है जवाब सही भाई, रेड से वो आपका सही आंसर है, लाल है। अगला आइए, हाल ही में पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। कुछ क्वेश्चन है, सर्बियो ओपन टूर खिताब एंड्री रूबलेव रूस ने जीता है। एटीपी 1000 मोटे कार्लो मास्टर्स 2022 आपका टेनिस टूर्नामेंट का स्टेफानोस सिटफिलास ने जीता है। पुरुष की एटीपी रैंकिंग के लिए डेनियल मेदवेदर शीर्ष पर पहुंचे हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के जो आपका 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। साल में टेनिस के सबसे बड़े 4 टूर्नामेंट हुआ, ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी फरवरी में, आपका फ्रेंच ओपन मई जून के आसपास, आपका विंबलडन आपका लास्ट जून और आपका जुलाई में, यूएस ओपन लास्ट मंडे आपका अगस्त में, उसके बाद आपका नोवाक जोकोविच सर्बिया ग्रैंड स्लैम आपका 19 में आपका ये जो हुआ है, मोस्को ओपन को जीतकर राफेल नडाल ने अपने करियर का 51वां खिताब जीता है। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब इगा स्वीटक ने जीता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में रजत कुमार का निधन हुआ, कौन थे? तो रजत कुमार एक साहित्यकार थे। क्या साहित्यकार थे रजत कुमार जी। अगला सवाल बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? ब्रिटेन में। मंकी पॉक्स ब्रिटेन में हुआ। हाल ही में किसने एचपीसीएल के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है? पुष्प कुमार जोशी। क्या पुष्प कुमार जोशी आपका पदभार संभाला। अगला सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का जूनियर विश्व कप का शुरुआत कहां हुई? तो जर्मनी में हुई है। कहां हुई दोस्तों आपका? जर्मनी में हुई है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल करो, हाल ही में आईआईएम नागपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किए हैं। हाल ही में किसने 26वें बार एवरेस्ट फतह पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कामी शेरपा। क्या कामी शेरपा अपनी बार रिकॉर्ड खुद तोड़े हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए साइली एप लॉन्च किए? केरल सरकार। कौन सा दोस्तों आपका? केरल सरकार। कुछ क्वेश्चन केरल से। संतोष ट्रॉफी 2022 का किताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरुआत हुआ है। कार्बन तटस्थ खेलों के तरीकों के पेश करने वाला पहला राज्य केरला बना है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। राज्य का पहला वैज्ञानिक आपकी पक्षी एटलस केरल में मिला है। 2023 में पहली विश्व वादी T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन केरल में हुआ है। अगला सवाल दोस्तों, हाल भारत का पहला सेनेटरी नैपकिन फ्री गांव फुलबांगी में बना है। एसडीजी सूचकांक में शीर्ष केरल पर रहा है। पद शैली पुरस्कार स्थापित करने का घोषणा केरल में हुआ है। परिवर्तनम योजना मछुआरे के लिए केरल में शुरुआत हुई है। एथन त्योहार त्रिशुपुरम मकली आपका मकर विलकू ओनम बड़ी फेमस त्योहार केरल में आता है। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र संस्थान केरल का कोझिकोड में खुला है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चीन में होने वाला एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो 2023 तक कोविड के चलते 2023 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी ने अपना प्रबंधक निदेशक किसे बनाया? सुदर्शन वेणु को। सुदर्शन वेणु को टीवीएस मोटर कंपनी ने अपना निदेशक मंडल के रूप में बनाया। अगला सवाल बोलते दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात यहां पे आ गई तो उत्तर प्रदेश ने घोषणा किया है। यूपी भाई। अगला सवाल की बढ़ते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश क्वेश्चन है, भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश बना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरुआत की है। दुर्गा शंकर मिश्रा राज के नए मुख्य सचिव चुने गए। तो आपका यूपी के नए राज सचिव कौन? दुर्गा शंकर मिश्रा चुने गए। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। देवबंद में आपका एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खुली गई है। नवीन रोजगार छत्तीस नगर शुरुआत हुआ है। आपका कला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश मनाया गया है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन आपका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे नाम रख दिया गया। सबका नाम रखकर वीरांगना लक्ष्मीबाई नाम रख दिया। डीआरडीओ ने आपका पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में बीआरओ ने कब अपना 62वां संस्करण शुरू करेगा? तो बीआरओ का फुल फॉर्म क्या था पहले समझ लेते हैं। तो बीआरओ का फुल फॉर्म दोस्तों होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1960 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो इसका 62वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाएगा ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीआरओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। क्या? न्यू दिल्ली में आपका बीआरओ का मुख्यालय। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, हाल ही में किसने यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजीज हासिल की है? तो अडानी ग्रुप ने। कौन ग्रुप दोस्तों? आपका अडानी ग्रुप। अगला सवाल, तो आज के क्वेश्चन यही तक रहा। ये आपका सुपर फास्ट डिवीजन है दोस्तों। आप सभी लोग प्रतिज्ञा परिवार स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छपिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।